वेलकम बैक टू माय चैनल दया ठाकुर ब्लॉग्स। आज हम हिमाचल की प्रसिद्ध डिश सिड्डू बनाने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और खासकर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा। कुल्लू मनाली की बहुत ही फेमस डिश है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले लेते हैं हम आटा। तो उसके बाद हम लेते हैं 1 चम्मच ईस्ट। ईस्ट में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से गोलेंगे। में थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, और जो ये ईस्ट घोला है इसको हम इसमें डालेंगे। इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं अंदर तक। डो बन के तैयार हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, बिल्कुल मीडियम। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल। और अब इसको हम कम से कम 3 घंटे के लिए ढक के रखेंगे। इसकी स्टफिंग में कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। इसमें आलू की स्टफिंग भी होती है, मेरे पास ड्राई फ्रूट थे और अखरोट और अखवानी की जो गुट्टी होती है वो, तो मैं इसकी बनाऊँगी। प्याज, थोड़ा सा हरी मिर्च और ये धूले माश, इसको भी मैं पीस के इसका पेस्ट बना के इसमें मिक्स करूँगी। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है सिड्डू बनाने के लिए। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में पीसेंगे, बिल्कुल दरदरा सा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इसमें, थोड़ा सा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, तो हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाते हैं सिड्डू। सिड्डू को बेलन से बेला नहीं जाता, इसको बिल्कुल हाथ से ही बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि अच्छे से बने। अब इसमें डालेंगे हम स्टफिंग। और इसको करेंगे हम इस तरह से बंद, साइड से वैसे ही बंद करेंगे। और इसको हम थोड़ा सा शेप देंगे। ये बन गया हमारा सिड्डू। ऐसे ही हम सारे सिड्डू बनाएंगे। हमारे सारे सिड्डू बन के रेडी है। अब हम इनको बेक होने के लिए रखेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले तेल लगाया था नीचे, 40 मिनट के लिए ढक दिया। इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा तेल। हमारे सिड्डू बिल्कुल रेडी है। इसको हम घी के साथ खाते हैं या चटनी के साथ भी खाया जाता है।